स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन भी टेबल से संबंधित है। देखिए बोर्ड पर, देखिए स्टूडेंट्स, विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा उत्पादित मदों की संख्या लाखों में। स्टूडेंट टेबल को ध्यान से देखिए, एक साइड में कंपनी PQRSTU और दूसरी तरफ 1997 से 2001 वर्ष दिखाए गए हैं और इन 5 वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा उत्पादित मदों की संख्या जो 6 कंपनियों ने इन सालों में, यानी पी ने 1997 में ये उत्पादित किया, 1998 में ये उत्पादित किया, 99 में ये और 2000 में ये, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। सभी कंपनियों का ब्यौरा जो है, उत्पादित मदों का ब्यौरा इसमें टेबल में दिया गया है। यहां पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है 2000 में कंपनी PQR के कुल उत्पादन और उसी वर्ष कंपनी STU के कुल उत्पादन के बीच का क्रमशः आसन्नतः अनुपात क्या था। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर प्रश्न को देख लीजिए, 2000 में कंपनी, यानी 2000 में, यहां देखिए आप आके 2000 में कंपनी PQR के कुल उत्पादन, तो देखिए 2000 में कंपनी PQR, ये देखिए PQR का कुल उत्पादन क्या हुआ, ये हुआ देखिए, और कहता है STU का कुल उत्पादन, तो देखिए STU, तो STU का कुल उत्पादन ये हो गया। कहता है कि दोनों में, दोनों के उत्पादन के बीच का क्रमशः आसन्नता अनुपात क्या था। अगर देखिए स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को जोड़ते हैं, PQR जो है, इस पूरी टेबल को ध्यान से देखिए, अगर हम PQR को जोड़ते हैं तो PQR का मान यहां पर 257.8 लाख है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 257.8 लाख, और STU को जोड़ते हैं तो देखिए स्टूडेंट, 2000 में STU का उत्पादन जो है वो कितना था, तो STU का उत्पादन यहां पर स्टूडेंट्स आता है, हमें प्राप्त होता है 305। तो इसके अपोन हम देखिए 305 करते हैं। अब यहां पर आसन्नतः अनुपात पूछा गया है स्टूडेंट्स, देखिए क्यू पी क्यू आर का उत्पादन जो है इतने लाख है, यानी 257 लाख है, और STU का उत्पादन 305 लाख, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 305 आपको प्राप्त होता है। और इस तरह से अगर देखिए आसन्नतः, क्वेश्चन में पूछा गया 2000 में कंपनी PQR के कुल उत्पादन और उसी वर्ष कंपनी STU के कुल उत्पादन के बीच का क्रमशः आसन्नतः अनुपात क्या था। आसन्नतः अनुपात पूछा गया है तो स्टूडेंट्स आप यहां पर क्या करेंगे, आप इसको यहां 260 बना सकते हैं। देखिए 260, देखिए आसन्नतः पूछा गया है, यानी जीरो फिगर में हम इसको ले जाते हैं और 305 को हम 300 बना लेते हैं। देखिए इसको, क्योंकि जीरो फिगर में आसन्नतः अनुपात हमें बताना है, और अगर देखिए इसको हम काटते हैं तो हमें यहां पर मिलता है देखिए 13 और यहां 15, तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात 13:15 हमारा यहां पर आता है। स्टूडेंट्स अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 में सभी कंपनियों का औसत उत्पादन लाखों में कितना था। वर्ष 1999 में, देखिए ये 99 है, वर्ष 1999 में सभी कंपनियों का औसत उत्पादन लाखों में कितना था। तो स्टूडेंट्स आप इसको सारे पूरे को जोड़ लीजिए, देखिए 48.6 से लेकर ये यहां तक आप इसको जोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होता है 424 लाख। देखिए 424 लाख आपको प्राप्त होता है। अब आप देखते हैं कि कहता है औसत उत्पादन लाखों में कितना था, तो औसत उत्पादन हमें बताना है कंपनी कितनी है। देखिए कंपनी कितनी है, 6, तो इसके बटे हम 6 करते हैं, देखिए, और अगर हम इसके बटे 6 करते हैं तो हमें औसत उत्पादन मिल जाता है, क्योंकि औसत आपको पता है औसत कैसे निकलती है, क्योंकि इन सभी का हम जोड़ करते हैं और कंपनी 6 है तो बटे 6 करते हैं, तो हमें यहां पर अपना आंसर मिलता है 70.75। तो हम कह सकते हैं कि सभी कंपनी का औसत उत्पादन 70.75 1999 में था। स्टूडेंट इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसमें भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, क्या है, देखिए कंपनी एस का 1900 टेबल पर ध्यान से देखिए, टेबल पर
कंपनी एस का 1999 का उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के कंपनी के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत था। देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन में बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है, हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते। कहते हैं कंपनी एस का 1999 का उत्पादन, देखिए कंपनी एस का 1999 का उत्पादन, यानी ये ऐसे हमें निशान लगा लेना चाहिए कि उत्पादन कहता है दिए गए सभी वर्षों के, यही एक इसमें स्टूडेंट से भूल रह जाती है, दिए गए सभी वर्षों के। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़कर बाकी सभी वर्षों के उत्पादन को कैलकुलेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसको छोड़ने की बात जब आती है, जब कहा गया हो दिए गए शेष सभी वर्षों, देखिए कितना डिफरेंस है, दिए गए शेष सभी वर्षों के उत्पादन का कितना प्रतिशत था तो अलग बात है, लेकिन इसमें कहा है कि उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के, कंपनी के दिए गए सभी वर्षों के, इट मींस इसको हम अलग से रख लेते हैं। 78.6 को परसेंटेज के रूप में हमें देखना है, 78.6, और सभी वर्षों का उत्पादन यानी 78.6 को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो 78.6 को भी इंक्लूड अगर हम करते हैं तो दिए गए वर्षों का उत्पादन हमें इसमें निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो यहां पर 78.6 को इस पूरे से हम करके हम परसेंटेज इसमें निकालेंगे, और एस का पूरा परसेंटेज अगर हम जोड़ते हैं, देखिए कंपनी एस का सभी वर्षों का पूरा अगर ये हम जोड़ते हैं, सभी को हम जोड़ करते हैं, तो हमें यहां पर प्राप्त होता है 407.9। देखिए 407.9 जो है, इससे 78.6 यानी 1999 का, यानी ये हमें जो इसका उत्पादन है ये हमें निकालना है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट्स ठीक उसी तरह से हम कर सकते हैं कि देखिए ये सभी जो हैं कितने हैं, इसको हम मानते हैं 100%। देखिए इसी से तो हमें इसका 1999 पे का कंपनी एस का उत्पादन निकालना है, तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर पूरा उत्पादन 100% है, ये सारा 100% है, इसको हम 100% मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 407.9 बराबर है 100%। तो 1% अपॉन 407.9, और निकालना क्या है, निकालना 68.6 कितना प्रतिशत हुआ, तो डायरेक्ट यहां पर 78.6 हम करके इसको हम काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बात वही है। डायरेक्ट निकालने वाले स्टूडेंट्स ऐसे निकाल लेते हैं कि भाई 78.6 और फिर गुना 100 और अपॉन 407.9, ये मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन कई स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रम रहता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स कैसे, कि सभी वर्षों का उत्पादन कुल कितना है, उससे हमें 1999 का कंपनी एस का उत्पादन कितना प्रतिशत हुआ ये निकालना है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सारा उत्पादन अगर 407.9 था तो ये हो गया 100%, तो 407.9 बराबर है 100%, तो 1/407.9 हो जाएगा, और 78.6 हमें निकालना है तो गुना 78.6, और इस प्रकार से इसको हम काटते हैं तो हमें यहां स्टूडेंट्स प्राप्त होता है 19.2। तो हम कह सकते हैं कि 19.2 जो है उस वर्ष जो है कंपनी का उत्पादन जो है 1999 का उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के कंपनी के कुल उत्पादन का 19.2% था। स्टूडेंट्स अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1999 से 2000 में कंपनी आर के उत्पादन में आसन्नतः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कहता है 1999 से 2000 में कंपनी आर पे आप जाइए स्टूडेंट्स, देखिए 1999 से 2000 में कंपनी आर, देखिए स्टूडेंट्स कहता है 1999 से 2000 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो देखिए 1999 से 2000 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो इट मींस ये 100% है, तो 100% से ये कितना अधिक हो गया। और अगर पूछ लेता था, अगर ये पूछ लेता कि 2000 में 1900, देखिए 2000 का 1999 का उत्पादन कितना प्रतिशत है, तो फिर इसको हम 100% मानते। लेकिन यहां पर कहता है 1900 कंपनी आर के उत्पादन में 1999 से 2000 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप इसको 100% मान सकते हैं। देखिए 100%, तो हम कहते हैं कि 100% बराबर है 63.5 के। नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, हम इसको इधर रखेंगे इस साइड में, यानी 63.5 बराबर है 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, और 1 बराबर है बटा 63.5, और हमें निकालना कितना 82.5,
तो 82.5 देखिए स्टूडेंट्स अपने आप जो है आपको पता लग रहा है कि ये अगर 100% है तो 82.5 100 से अधिक आएगा। और अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी है, अगर आप इसको काटते हैं तो आपको यहां पर उत्पादन मिलता है यानी 129.92। देखिए 129.92 आपको यहां पर अपना उत्पादन प्राप्त होगा। इसमें से आप 100 घटा सकते हैं, तो आपको पता है वैसे ही कि इसमें से 100 अगर घटाएंगे तो हमें 29.92% जो है कंपनी आर के उत्पादन में 1999 से 2000 में 29.92 की वृद्धि हुई। स्टूडेंट्स अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी एस का कुल उत्पादन। देखिए वही बात है, कंपनी एस का कुल उत्पादन ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो कंपनी एस का कुल उत्पादन यहां देखिए 409.7.9 यानी एस का कुल उत्पादन अगर आप इस सारे का जोड़ करते हैं तो 407.9 ये निकलता है, 407.9 स्टूडेंट्स। और कहता है कंपनी दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी एस का कुल उत्पादन दिए गए सभी वर्षों में हुए कंपनी क्यू के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, कंपनी क्यू के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है और आसन्नतः कहता है आसन्नतः मान ज्ञात कीजिए। तो कंपनी क्यू का कुल उत्पादन ये सभी आप जोड़ सकते हैं, अगर ये सभी आप जोड़ते हैं तो आपको इसमें प्राप्त होता है 409 लाख। देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको यहां पर पूरा जोड़ क्यू का उत्पादन मिलता है 409 लाख। तो देखिए आप इसमें कहता है कि कंपनी दिए गए सभी वर्षों के लिए कंपनी एस का कुल उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के हुए कंपनी क्यू के उत्पादन का यानी क्यू के उत्पादन का इसका ये एस का उत्पादन इसका कुल उत्पादन का इसका कुल उत्पादन कितने प्रतिशत है। तो वही बात स्टूडेंट्स आप 409 को यहां 100% मान सकते हैं क्योंकि इसका इसके उत्पादन का, तो हम वही कर सकते हैं कि देखिए 409 बराबर है 100% के और 1/409 और यहां पर 407.9 का हमें बताना है कि 407.9 इसका कितना प्रतिशत हुआ, तो 407.9 स्टूडेंट्स यहां पर आप देखते हैं तो इसको अगर हम काटते हैं तो यहां लगभग हमें 99.73 प्राप्त होता है 73%, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये लगभग आसन्नतः है, अगर आप मान बताना चाहते हैं तो ये हमें हम इसमें कह सकते हैं कि 100% जो है लगभग बराबर रहा, तो ऐसा आंसर यानी लगभग बराबर रहा यानी 100% यानी बराबर इसमें मान हम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स